हमसे कई बार लोगों ने पूछा और हमने भी अपने जीवन में देखा कि जो सुख है वो चाहते हैं कि निरंतर बना रहे और दुख कम हो या ना हो। तो हमें अपने जीवन के अनुभव में इस पूरे जीवन में एक चीज समझ में आई कि अगर सुख के समय व्यक्ति साधना करता है, ईश्वर की साधना करता है, उस ऑलमाइटी गॉड की साधना करता रहे, भक्ति साधना करता रहे, तो दुख के दिन कम देखने को मिलते हैं। और जो दुख के दिन कभी आ भी जाएं, जो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें आती ही हैं, उस समय अपनी साधना को, भक्ति को, ईश्वर में के नाम को, जप को बढ़ा दे तो वो समय जल्दी पार हो जाता है और सुख में जीवन उन्हें आ जाता है। यानी कि जो ईश्वर की साधना करते हैं उनका कभी पतन नहीं होता, क्या होते हैं थोड़े नीचे थोड़े ऊपर और उन्नति ही होती रहती है। ईश्वर की साधना के लिए जो लोग ईश्वर की साधना करें उनका कभी पतन नहीं होता, ये बात आप लोग बांट बांट के रख लो। आज का सूत्र यही है।